अंबाला छावनी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। एक ओर जहां अनिल विज जैसे दिग्गज भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर परविंदर परी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पहचान यही है कि वे एमसी रहे हैं और शुरू से ही कांग्रेस में काम किया है। उधर कांग्रेस के टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेस के विभिन्न राष्ट्रीय पदों पर रही चित्रा सरवारा है, जो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। चित्रा सरवारा का कहना है कि वे लगातार जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और वही मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। वही मुद्दे रख रहे जो हमने दस्ता बताए, चाहे अंबाला की गली के थे, ड्रेनेज गार्बेज सीवरेज के थे, बाजार जो हमारे आज की तारीख में दबे पड़े हैं, इंडस्ट्री के हैं, आईएसआई का है और उसके साथ ही कुछ नैतिक मुद्दे भी हम आज उठा रहे हैं, जिसके अंदर अहंकार भी आता है। संयुक्त अंबाला बंद कर बैठे, अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो आज लोग कहते हैं जो आज के किसान मारे थे कोनी की गृह मंत्री के अंदर हुआ था तो हम उसको भूले नहीं। तो आज एक बहुत बड़ा बदलाव मोड़ पे है, जरूरी भी है और मैं समझती हूँ कि अटल है एक तरह से। तो आज जो लड़ाई लड़ी है इस मोहर देखिए जी, बहुत सारी ज्वाइनिंग हो रही है और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वर्ग हो, समाज हो, कोई भी किसी भी जगह से लोग आ रहे हैं, आज बदलाव का और उनको पता है कि लड़ाई आज की अनिल विज और सिक्का नहीं और अनिल विज जी को हराना जैसे मकसद आज जो लोग हमारे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस साथ के लिए हम आभारी भी हैं और हम तो यही आश्वासन दे सकते हैं आपके मंत्र से कि उनकी बेटी आने वाले समय से आने वाली सरकार ने अंबाला के रिश्ते देखिए सीटी बजा रहे हैं सारे के सारे और वो कह रहे हैं आपके बारे में सीटी बजाएंगे। विसल ब्लोअर मशहूर हैं दुनिया में घोटालों के पर्दे साफ करेंगे और अंबाला के विसल ब्लोअर हम ही रहे। तो आज हमें भगवान की दया से जो विसल का चुनाव मिला तो बच्चे हों महिलाएं हर कोई सीटी बजा रहा है और हमें सब हम सबसे ऑल विल बी वेल। लेकिन इनकी हार का भी कारण बनेगा और आगे कहीं ना कहीं जवाब देना। विकास कार्य पूरे नहीं हुए एक बार, एक रुपए की चीज 3 रुपया लगने के बाद भी पूरी नहीं हुई, ये घोटाले की बात है, बहुत बड़े स्तर का घोटाला। कोई भी अंबाला का जिसे आप बिग टिकट प्रोग्राम कह दो, आप कहीं भी स्मारक स्टेडियम बैंक स्क्वायर अग्निशमन बिल्डिंग आप देखिए गांधी ग्राउंड साइकिल ट्रैक नाइट मार्केट अस्पताल में डॉक्टर्स क्वार्टर्स आगे अस्पताल ड्रेनेज सीवरेज आप कोई बात कर लो कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में एक कॉलोनी ऑथराइज, एक नया कोई स्कूल सीखनी आंगनबाड़ी सीखनी, एक कोई नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आया, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं आया। जब कॉलोनी ऑथराइज नहीं कर रहे और लोग आके मदद मांगते हैं तो मुड़ के हमारे मंत्री साहब कहते थे मुझे पूछ के बचे, तो मतलब रहने को जगह नहीं देनी और लात और मार देनी। इन चीज़ों से लोग बहुत और अब की बात लोगों का जो है ना तो जवाब चुनाव में।